अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आज उम्मीद करना कि सारे ठीक ठाक होने खुश थे आबाद होने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अल्लाह ताला को ओहदे नसीब तो गप शप लाण जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नहा के गुसल वगैरह करके रेडी हो गए जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने वास्ते इंसान की सोच नाकिस है अल्लाह तबारक व तआला का इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जुम्मा की नमाज जुम्मा अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से हूँ जा रहे हैं घर की तरफ थोड़ी देर जी होने इतने बैठने धुप्पे धुप सेकने बाकी जी थोड़ी देर धुप सेक लैने तो उस तो बाद जो थोड़ी देर बाद दोस्तों ने जी एक छोटी जी दावत रखी है एक काफ़ी दिन हो गए ने उन्होंने मुलाकात नहीं सी भी होंगी है अभी निके अगर गाय बगाए मुलाकात होती रहती है मैं भी बिजी रहा वहाँ वाहवा दिन उन्होंने मुलाकात नहीं हुई वह भी अपने अपने काम काज बिजी रहे ने अज तो असं टाइम बनाया मुलाकात करनी है हूँ अगर मेरा रबता होया उन्होंने तो तकरीबन 4 बजे का सा टाइम का इतफाक होया तो 4 बजे चलाने उधर जाके जी छोटी जी दावत करने जी की खाने थोड़े शेयर करा दे मैं हम थोड़ी देर बैठना धुप्पे धुप्प इंजॉय करना वा तो तुम भी अगर धुप्पे भी धुप्प है तो तुम भी धुप्प बह के इंजॉय करो जी तो घर पहुंचे हैं जी तो इतने जरा बाजरे की रोटी आटा तैयार होया पे है सुबह भी कितने 2 रोटियां मीरा ने बनाईया ने लेकिन मैं नहीं खा सकिया हूँ आया तो आटा तैयार है रोटी तैयार हो गई थोड़े शेयर करने कि किस तरह बनाते हैं वे किस तरह बनती है बाजरा तो होंगे ही है तो और की लाई दा किस तरह बनाई दा ए गुड़ वाली रोटी है तवा आया जी फुल गर्म रोटी पा दी तवे तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन जाना लगना तो फिर रोटी तैयार होनी बाकी तुम देखते जाओ कैसी बेहतरीन रोटी तैयार हो चिकन बिस्किट नहीं होंगे अभी बिस्किट खाई दे इस तरह जाना रोटी तैयार हो गई देखिए जी मक्खन लग रहा रोटी में खूब तरीके इंशाल्लाह लगेगा ए नाल मक्खन जी मक्खन पे है दूसरा पासा चेंज हो लगा नहीं हो रहा हाथ ना ही होना रोटी सारी गिल्लर पुल्लर गई है जी रोटी का किधर से किधर टुर गई मैं आटा ये सही नहीं कुन की गल ठंडा सी आटा ठंडा सी जी ज्यादा तो वास्ते रोटी तरह खिलर गई चलो कोई गल नहीं है फिर भी मज़ा आएगा खाने का इंशाल्लाह अजय एक दफा फिर मक्खन लगन लगा एक दूसरी दफा एक दफा लग चुका मक्खन हूँ दूसरी दफा लगन लगा देते जाओ कि मक्खन कि ज़्यादा लगता है पकती भी मज़ेदार हो तो पकती भी मक्खन नाल ही वैसे पकती भी नहीं है सही यही मज़ा होना बिच जो मक्खन पर लगता है ना मक्खन तो सारा बिच टेस्ट होना अच्छी साड़ी रोटी पता नहीं किधर दी किधर टुर गई है टोटे टोटे हो गई है ज्यादा इन्ना मज़ा नहीं आना दूसरी रोटी हम ट्राई करने जो सही बने फिर मज़ा इंशाल्लाह जो उन्होंने मज़ा रहा तो हूँ छोटे छोटे टुकड़े हो गए ने खाने गर्म गर्म जी खाने तो मज़ा लगे जी गर्मा गर्म बिस्किट खाने ठीक है थोड़ी खराब हो गई काली हो गई है मतलब चूल्हा तेज सी तो मैंने बदल लगा उन्होंने दूसरी साइड की तो जो काली हो गई सी और थोड़ी जी सही निकली मैं मैनेजर जो मैं खाना वा मैं बड़ा मज़ा आता खाने का अक्सर सर्दियों अस जो बनाने तो खाने तुम खा लो कि नहीं तुम कमेंट करके जरूर दसियो अभी दूसरी रोटी का बेड़ा पाया है कणक वाले आटे ना जो मैं डंगे बेड़ा करने वास्ते इस तरह करके जी जो आस्ता आस्ता करके बड़िया करना रोटी हजिया का पासा दूसरी का ठीक चेंज हो गया अगे जो रोटी सारी खुल डुल गई सी है ठीक इंशाल्लाह रोटी बनेगी साड़ी बाजरे की रोटी जदू पकानी होना गैस बिल्कुल हल्की जी रहनी आँच हल्की होज ना हो तेज़ होवेगी तो रोटी सड़ जाएगी
देखो जी माशाल्लाह किन्ना मक्खन पे लगता है रोटी ते, इन्ना मक्खन लगे तो रोटी तैयार होती है बाजरे की रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह अजे एक बार फिर लगन लगा मक्खन उ थोड़ा थोड़ा ही बस वो चुक लो तू नहीं ना इन्ना दिल करना मेरा स्वाद मक्खन फिर एक बार मक्खन दे तू फिर एक बार मक्खन आया जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਖੋਲ ਇਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਖੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ है क्या माँ आई हैं झूला माइया जी दूल्हा झूला माइया लेंदा पे वेख्या जी पिंग वाला झूला है और दूसरा झूला है स्लाइड वाला झूला है घर ही लगे ने तो दूल्हा जरा माइया लेंदा पे। हाँ जी चले हैं जी शहर दोस्तों एक दोस्त की कॉल आई सी शहर आके बैठे हैं उन्हें जाना सी घर कहना मैं नहीं जा रहा भी मैं शहर जी थोड़ा वेट करना वा तकरीबन पौने चार हो गए ने चार बजे का साड़ा टाइम से मैं चलो मैं भी घरों निकलना दस पंद्रह मिनट मेरे भी जाने लग जाने बाकी चलने शहर दोस्तों ठीक ठाक है खरा लो जी ज़ैफा भाई भी पहुँच आए ने जी नाल ही अभी मिलने पे तो ज़ैफा भाई की भी एंट्री मार ली की हाल है जनाब ठीक ठाक लो जी तीन बंदे कट्ठे किन्ने दिन बाद मुलाकात हुई है तकरीबन महीने डेढ़ बाद महीना को हो गया मैं शक रैफा साहब थोड़े कि चिर हो गया कि चिर हो मुलाकात हो हाँ जी तेरे तकरीबन महीना हो गया नहीं अगर बाबा दिन चक्कर मारने भाषण में दो बार मुलाकात हो लंघ दिन नहीं डेढ़ तो हो गया हाँ जी ते काफी शोर है जा रहे हैं जी सूप पीने वास्ते डिसाइड होया कि सूप पीना है क्योंकि रोटी शोटी नहीं खानी रोटी का टाइम नहीं है सूप पीवे बाकी चलने हम पैरियट होटल से आगे पैरियट होटल से थोड़ा जा सफर भाई गड्डी आज ड्राइव कर रहे हैं मैं तो पीछे बैठे वहाँ चलने हम पैरियट जी तो पहुँच आए हैं वन एंड ओनली मैरियंट से साडा फेवरेट भी ये इतों जो सूप लगता है वो फेवरेट साडा सूप है असं तीन बंदे चारे एग्री करने उससे वो ही असं पीना पसंद करते हैं खास तौर पर ज़ैफा साहब जड़े किरे भी नहीं जाते जदों ही आते हैं मैरियंट से सू लैके आते हैं बाकी हम चलने अंदर तो चल के अंदर जाना आर्डर देने अंदर चलने साडा हसबे मूला ही टेबल होंदा जी इत्थे ਸਾਡੇ ਸੂਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਸਾਸ ਹੈ ਵਾਈਟ ਸਿਲਕ ਹੈ ਬਲੈਕ ਸਿਲਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲੇਵਰ ਇਹ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਕਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਸਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਆਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ उर्दू समझाया तो मैं तुम्हें जो पंजाबी समझा पा बाकी हूँ आंदा है साडा सूप तो फिर तुम चेक कराने वो कैसा होंगे जी आ गया साडा सूप मज़ेदार सूप लो जी साडा एवं सूप मज़ेदार सूप काफ़ी लवाजमात ने बेच वेच सकते हो ज़ैफा भाई उन्हें पाने तुम्हें पता लगता है यह साढ़े क्रैकर्स ने मतलब मीनस के पापड़ मैं समझा सी पता नहीं केड़े क्रैकर्स होने ने जी पापड़ ठीक है
जी अलहमदुल्ला जी सूप का खात्मा असी कर दिता है, सारे ने खत्म कर दिता है। हाँ जी आ गए जी बाहर, पार्टी साड़ी एंड हो गई। पाशा जी कैसा लगा सूप तुहानू? मज़ा आया? हूँ सैल्फी मूवमेंट है भाजी। हाँ जी रिहान साहब कैसा लगा? इधर दस के जाओ पहला, कैसा लगा? हेलो कैसा लगा सूप? बहुत अच्छा सूप लगा जी साहब। तो भाईरा ने पूछने की लड़ भाईरा पूछने की लड़ ही कोई नहीं है भी इन्हों तो मैं अगर पता ठीक लगे, इन्हों तो पूछना ही नहीं है कि ठीक लगा कि नहीं लगा, क्योंकि इन्हों का फेवरेट जो तुम्हें पता मैरिएट है, वन एंड ओनली मैरिएट। लेकिन अगला जो प्रोग्राम होगा ना वो चेंज होगा इंशाल्लाह, अजवा रेस्टोरेंट तो होगा लेकिन चेंज होगा। बाकी बाकी जी हूँ अभी जो चलने कि क्या हाल है शेज होटल के उसकी अगर चाह असी बंदे ने अंदर भेजा जी कोई चीज़ लैन वास्ते, उन्हें आ चीज़ खिलार के उन्होंने अंदर इतने आ गया है की किया तो है दसी हूँ सारे वर्के किधर गए भाई और अंदर फैल लैन गए लेकिन सारे वर्के खिलार के जो ना आ गए। वेखो जी इधर भी चाह फेंटर होंगी है भी, उधर भी चाह फेंटर होंगी है भी, हर तरफ चाय चाय है, ना चीनी पई है ना दुध पे है। असी आर्डर ला दिता चार चावान का, साड़िया चाव अंदर आ जाने ने अंदर चलने फिर चाय पीने। है जी साड़ी चाय आ चुकी है, चाय का कप तैयार है साड़ा, माशाल्लाह चाय आ चुकी है साड़ी। एक कप एक कप एक कप भाई साहब पी रहे ने, चार कप साढ़े रेडी ने चाय के, बहुत अच्छी माशाल्लाह चाय इतने बनती है। इतवार को तो असं प्रोग्राम बनाया एक प्रोग्राम रिहान साहब ने कि जाना है एक किधर अपने काम, तो शायद प्रोग्राम कैंसल होवे। अल्लाह हाफिज। कोई गल नहीं असं भी हूँ निकल लगे हाँ। बाकी एस जी आई की वीडियो इतने करने, वीडियो का एंड सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं भी घर जा रहा वहाँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरा नहीं घरों कॉल भी आँदी सी भी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई लाइक करके कमेंट करके जरूर दसी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख, अपनी दुआओं में याद रखियो, अल्लाह ने मौका दिता जिंदगी ने वफा की इंशाल्लाह कि नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत हाज़र होवांगे। अल्लाह हाफिज़।